Hello. Hi, this is Khushboo with another question of 5 Metal Progressions. This is question number 10 from exercise 5.3, page number 113 from NCERT. This says, show that A1, A2, dash, 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 AN form with AP, where AN is defined as below. Aapko nth term given hai. Aapko check karna hai ki series AP bana raha hai ya nahi. Ye first half. Second half mein, also find the sum of the first 15 terms. First 15 terms ka aapko sum find karna hai. तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास टर्म्स होने चाहिए। पहले हम इसके टर्म्स बनाएंगे। सो सबसे पहले फॉर एन इक्वल्स टू वन, जब एन हमारा वन होता है दैट मीन्स जहां जहां एन है वहां वन बुक करेंगे। तो ये बना ए वन और यहाँ आया 9 - 5 × 1, तो ये बनता है 9 - 4 - 5, दैट मीन्स 4। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई यहाँ से 4। नाउ सेकेंड टर्म के लिए जब ए टू निकालेंगे तो जहां जहां एन है वहां टू पुट करेंगे, तो 9 - 5 = 2, दैट मीन्स 9 - 10, दैट मीन्स -1। देन ए थ्री थर्ड टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए आप फिर से इसके अंदर पुट करोगे एन की जगह पर 3, तो बनता है 9 - 5 = 3, that means 9 - 15 = -6। हमारे पास थर्ड टर्म आ गई यहाँ से -6। नाउ ए फोर, ये होता है 9 - 5 × 4, सो 9 - 5 = 20, दैट मीन्स -11। सो ये आ गई हमारे पास फोर्थ टर्म ए फोर। सबके पास टर्म्स आ गई, ये आपकी फर्स्ट टर्म ए वन, सेकेंड टर्म है हमारी, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म। तो हमारे पास सीरीज आ रही है 4 - 1 - 6 - 11। सो यहां पर 4 - 1 - 6 - 11 ये सीरीज आ रही है। फर्स्ट वी विल चेक कि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, दैट मीन्स a2 - a1। सो a2 हमारे पास है -1, देन एक नेगेटिव साइन है, देन 4। माइनस माइनस प्लस हुआ तो बन गया -5। कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास -5। सेम वे हम चेक करते हैं ए थ्री और ए टू पर। ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री हमारे पास है -6, माइनस ए टू, ए टू है -1। ऑलरेडी यहां पर एक नेगेटिव साइन है, जब ए टू लिखोगे तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे, मतलब -1। सो यहां पर -6 माइनस माइनस प्लस 1, मतलब -5। देन अगेन हम चेक करते हैं ए फोर माइनस ए थ्री, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म है आपकी -11, माइनस ए थ्री है -6। -11 माइनस माइनस इज प्लस 6, मतलब -5। सो अब देखिए हर केस में आपका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स ये एपी फॉर्म कर रहा है। हम लिखोगे एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it forms an AP. ये AP form कर रहा है। Now next हमें check करना है sum, sum of first 15 terms. SN का formula हमारे पास होता है is equal to n by 2 2a plus n minus 1b. ये formula होता है SN का। आपको find करना है sum of first 15 terms का। तो n को आप लिखेंगे 15, जहां जहां एन है वहां पर हम पुट करते जाएंगे 15 को। सो 15 by 2 2 into a, a हमारे पास यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट टर्म हमारी है 4, a की जगह आएगा 4, प्लस n की जगह 15, -1d, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -5। सो यहां से बनेगा s 15 इज इक्वल टू 15 by 2 2 4 is 8, प्लस 15 - 1 = 14 - 5। सो यहां पर एस 15 आएगा 15 by 2, ब्रैकेट में 8 प्लस 14 × 5 इज -70। सो 15 by 2 8 + - −70, एस 15 निकाल रहे हैं। सो सम ऑफ 15 टर्म्स इज 15 by 2 + −-70
सो माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आता है -62. इसे कट करते हैं, 2 3 2 1 सो 15 इंटू -30 का आंसर है -465. दिस इज द सम फॉर फर्स्ट 15 टर्म्स, -465. सो इन क्वेश्चंस के लिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तो जो आपको गिवन है उसको लिखिए और अकॉर्डिंगली जो कहा गया है पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, देन आप कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि वो एपी है या नहीं. एपी बनता है देन आपके पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, आप उसको ऐसे ही हमने पुट करके सम फाइंड करेंगे. सो दिस वाज 10th क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3 ऑफ एनसीईआरटी. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.